मैं भी ऐड करना चाहूंगी सर। ये भी कहा जा रहा है कि केपी के में जो है जैश ए मोहम्मद के लोग दोबारा एक्टिव देखे गए हैं और कई ग्रुप वहां पर इनके जो है दोबारा से अपनी कार्रवाइयां करने की तरफ लगता है जा रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कि अमेरिका ऐसा करवाना चाहता है क्योंकि अमेरिका खुश नहीं है कि इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और उन्होंने जैसे रशिया से ऑयल लिया है या वो अपनी रुपीज को इंडियन रुपीज को जो है 20 कंट्रीज तक ले गए हैं, ये चीज भी अमेरिका को सूट नहीं करती। तो ये एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट यानी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट टू पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की बात हुई है, और अब इन लोगों को एक्टिव करके कश्मीर में भी कोई कार्रवाई हो सकती है और आसाम और साथ ही खालिस्तान के लोगों को भी जो है सामने लाया जा सकता है। तो आपको लगता है कि इस तरह की टेंशन फिर एक बार पाकिस्तान अपने सर लेगा? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका के हवाले से कहूंगा कि अमेरिका इतनी सख्त नहीं रखता। जाती तौर पे मुझसे पूछे, कल परसों की जो नई खबर है, आप देखें, आप तो पाकिस्तान और भारत तो सात समंदर पार है। यहाँ एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन था जिसको मॉनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है, कि इस अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर किसी तीसरी ताकत को मुदाखलत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 1950s के अंदर तक ये मॉनरो डॉक्ट्रिन आया था। इस वक्त अमेरिका इतना कमजोर हो चुका है कि अपने बैकयार्ड को संभालने की सलाहियत नहीं रखता। कल की सबसे बड़ी खबर ये थी कि अर्जेंटाइन जो है वो भी युआन के जो बैंड वैगन है उस पर चढ़ चुका है, वो जा चुका है, उन्होंने अबैंडन कर दिया अमेरिका को। मैक्सिको क्रिटिसाइज कर रहा है, ब्राजील चाइना के साथ चला जा चुका है। और अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो सख्त नहीं रखता, वो बिल्कुल बहुत बूढ़ा हो चुका है। जिस तरह के बाइडन साहब बूढ़े हैं, मेरा ख्याल है इसी तरीके से अमेरिका भी बूढ़ा हो चुका है। अब उसमें जो मैं देख रहा हूँ, जो जिस तराजर से मैं देख रहा हूँ, कि हमारे आर्मी चीफ का चाइना जाना इस वक्त, और दूसरा देखें, मैं एक और तवज्जो एक एंगल पे ले जाना चाहूंगा कि आर्मी चीफ चाइना है, लेकिन आर्मी जो चाइना का डिफेंस मिनिस्टर है ही इज इन इंडिया, और 12 राउंड हुए उनके आपस में टाक के बारे में, बॉर्डर के बारे में, उसमें कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हुई, लेकिन वहां से कोई अच्छी बातें निकल रही हैं। तो मैं जो जाती तौर पे जो मुझे इस वक्त कंसर्न पाकिस्तान के हवाले से है, पाकिस्तान इज इन डेस्परेशन डेस्परेट सिचुएशन पैसों के लिए, और ये जो पैसों के लिए डेस्परेशन आज की नहीं है, ये 1947 जब से बने हैं उसी दिन की डेस्परेशन है, उसी दिन से मांगने का जो है वो इनका प्रोग्राम, उसी दिन से ये सारा एजेंडा। इन्होंने वेस्ट को ब्लैकमेल तभी करने की कोशिश की थी कि डेमोक्रेसी हमारे इस्लामिक वैल्यूज के साथ मिलती है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म को रोकना चाहते हैं। आज भी वहीं खड़े हैं। लेकिन इस वक्त अब जो मैं जो बात कर रहा हूं, मैंने आपके सेगमेंट में कहा था कि क्या ही अच्छा होता कि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट या हमारी पोलिटिकल क्यादत जो है, ये जो जम्मू के अंदर हादसा हुआ है उसको अपॉर्चुनिटी लेते और अपने आप को क्लैरिफाई करते, रिलेशनशिप बेहतर करने की एक विंडो मौजूद थी, लेकिन उस विंडो को किस तरीके से इन्होंने फिर बंद कर दिया है। एक तो ISPR ने बड़े सख्त अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए, पहले आर्मी चीफ बाजवा साहब की जो स्टेटमेंट थी कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल नहीं है, एक तो उन्होंने वो उससे आगे जाके उन्होंने कह दो हम तो भी जंग उनके घर ले जाएंगे। फिर उसके बाद चाइना गए हैं, तो चाइना से जाके उन्होंने कोई इंडस्ट्री की हेल्प नहीं ले रहे, वहां से उन्होंने ये नहीं कहा कि आए जी इंडस्ट्री लगाएं वहां पर, वो टैंकों की डिफेंस के हथियारों की बात की जा रही है, जिसमें मुझे उस पर भी अफसोस है कि आप तरक्की, मुआशी तरक्की आपको चाहिए, आपको तोप गोले नहीं चाहिए। और जो तोप गोलों के हालात ये हैं कि आज यूक्रेन से जो पाकिस्तान से नाकस असला वहां भेजा गया, उन्होंने शिकायत की है कि आपके गोले बारूद जो आपने भेजे बिल्कुल बेकार है, नाकारा है, यहां से डिनाई किया गया है उसको। ये आज की BBC और डॉन की न्यूज है कि जो यूक्रेन इज कंप्लेनिंग अबाउट जो कुछ यहां से जो इन्होंने एक्सपायर पटाखे बेचे उनको, वो शिकायत कर रहे हैं, तो उस पर इन्होंने कहा नहीं जी हमने तो नहीं दिए। हालांकि ये जहाज आते रहे हैं यहाँ पे बरतानिया के और यहां से असला लेके जाते रहे यूक्रेन के लिए। लेकिन मैं अगर जाती तौर पर पूछूं तो मैं पिछले 2-4 दिनों से कोई इतना खुश नहीं था कि बजाय जब आपके हालात इतने ज्यादा खराब हैं, आपने अभी तक इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं दे रहे, एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप अपने रीजन के अंदर हालात बेहतर करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बजाय इसके कि आप फिर दोबारा खराबी की बातें कर रहे हैं, चाइना से भी गए हैं तो असला ले रहे हैं, यहां से भी आवाजें दे रहे हैं तो हम भी जंग की बातें, हम जंग कर लेंगे, जिस तरह आपने जैश ए मोहम्मद के बारे में कहा है,
कि उनको मेरे ख्याल में जाती तौर पर अगर पूछे तो अमेरिकन मेरे ख्याल में तो नहीं कि वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि जैश ए मोहम्मद को एक्टिवेट वो कर सकें। और दूसरा, इस वक्त जिस तरीके से IMF आपको बार बार स्नब कर रहा है, मेरे ख्याल में अब इस वक्त जो है आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, चाइना, वहां से पैसों की। और फिर एक और आपको उसमें खबर बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ का वहां जाना, फिर CPAC के बारे में बातें होना, वहां से ट्रेन का रूट लेकर जाना नीचे ग्वादर तक, उसकी बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो है वो पाकिस्तानी हमारी जो रूलिंग एलीट है वो उन्होंने उनको पता चल चुका है कि IMF इज नॉट वर्किंग विद अस, हमारे पास अब चाइनीज युआन ही आएंगे और उनको हम डॉलर में कन्वर्ट करके दुबई और लंदन ले जाएंगे। तो ये प्लान मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो पकड़ा है इस्लामाबाद की हंडिया में। तो मेरे अंदाजे में अमेरिका जितना वीक हो चुका है, और दूसरा जितना असर रसूख इस वक्त Washington DC में यहूदी लाबी के बाद भारतीय लाबी का है, मेरे ख्याल में अमेरिका इस तरह की गलती नहीं कर सकता, उनको नाराज नहीं कर सकता। इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो, इस वक्त वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो, उसके बाद कैमला हैरिस है यहाँ पे, उनके कांग्रेसमैन हैं, और दूसरा उनकी जो जितनी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, मेरे ख्याल में अमेरिका उनको बैकस्टैब नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैंने एक बात ये हमेशा ये कहता हूँ अफसोस के साथ कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी भारत की दुश्मनी को कैश कराने की कोशिश की है चाइना से। अब जो मैं अगली बात आपको बताना चाह रहा था कि इस वक्त जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस वक्त भारत में है और उनके डायलॉग वहां पे हो रहे हैं। यहाँ पे Washington DC में एक नई नई बात भी है, स्पेकुलेशंस हैं इसके बारे में, क्या सराहियां की जा रही हैं कि अगर भारत और चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं या उसमें बेहतरी आती है तो फिर हमारे रूलिंग एलीट के डॉलर पाउंड कहां से आएंगे, फिर इनके बच्चों को लंदन और अमेरिका में कौन पालेगा, इनकी ट्यूशन फीसिंग, इनके लल्ले तलले, इनके इनकी बेगमाद के मेकअप के और भारी महंगे महंगे बैग और जूते कौन लेकर देगा। ये एक सवालिया निशान है इस वक्त Washington DC में, स्पेकुलेशंस हो रही हैं और इसमें कोई बईद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त रेस जो चल रही है, तीन बड़ी पावर्स के अंदर चल रही है रेस टू अचीव अ बेटर पोजिशनिंग टू अ लीडिंग रोल इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर रशिया है। ये तीनों चाहते हैं कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका के बैकफुट पे जाने पे, जो जो वैक्यूम क्रिएट जो बाइडन ने किया है ऑन द इंटरनेशनल अरीना, उसको वैक्यूम को पहले नंबर पे चाइना बार बार, कल जिस तरह यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने घंटों बात की है मिस्टर प्रेसिडेंट शी के साथ, फिर उन्होंने अपना पीस प्लान उनको दिया है कि रशिया को कन्विंस किया जाए। फिर आपको मैं पहले भी बताना चाहूंगा, जब प्रेसिडेंट शी रशिया गए थे और उन्होंने वहां से यूक्रेन और रशिया प्लान की बात की थी तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने उसको वेलकम किया था। उन्होंने कहा था वी आर ओपन टू लिसन टू हियर द प्लान द चाइनीज प्लान। और अगर इस तरह की वो स्टेटमेंट देते हैं तो ये भी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के मुंह पे थप्पड़ है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा डिफेंस का पैसा और जो कैश सारी दी जा रही है यूक्रेन को वो अमेरिका का है। अमेरिकन लोगों का, मिडिल क्लास, मेरे जैसे लोगों का खून पसीना दिया जा रहा है, जो कि सारा मेरे पाकिस्तानी रूलिंग एलीट की तरह लंदन और दुबई में जा रहा है। असला जो जा रहा है वो सारा ब्लैक मार्केट में टेररिस्ट खरीदेंगे। यूक्रेन के बारे में अगर किसी को मेरे इस बात पर डिसएग्री करता हो तो वो गूगल करे, यूरोप का एक करप्ट तरीन मुल्क है यूक्रेन और वो बड़ी खूबसूरती से पूरी दुनिया को, वेस्ट को बेवकूफ बना रहा है। बल्कि आज जो मैं यहाँ पे ये भी बात कहना चाहूंगा कि कल जो बातें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने प्रेसिडेंट शी के साथ की हैं तो उन्होंने भी कहा है कि इस जंग से फायदा किस तरह उठाया जा सके, क्योंकि चाइना जो है वो भी हमेशा जब भी बात करता है तो वो इकोनॉमिक की बात करता है, इंडस्ट्री की बात करता है। आपने देखें कि वो किस खूबसूरती से उन्होंने अफ्रीका में जाके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके से उन्होंने मिडल ईस्ट को अमरीका के हाथ से निकाल लिया है। बल्कि यहाँ पे आज एक और खबर है, मैं आपके इस पे बताना चाहूंगा, इस साल के एंड तक चाइना के अंदर इस वक्त पेट्रोल की जितनी खपत है और जिस तरीके से मिडल ईस्ट से तेल जा रहा है वहां पे चाइना में, सोचा जा रहा है कि इस साल के एंड तक आपका बैरल पेट्रोल का बैरल 90 डॉलर तक चला जाएगा, जिसके बाद इन्फ्लेशन की एक फिर दोबारा बड़ी वेव आएगी और उसके अंदर डिवेलपिंग कंट्रीज बिलखसूस जिस तरह पाकिस्तान है, जहां कोई मालिक नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कोई साईं वारस ही नहीं है, वहां पे गरीब का बच्चा जो है उसके पास मांगने
ये चोरी करने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगा, अफसोस के साथ। अब उसके साथ मैं ये बातें इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर से कल वज़ीर आज़म साहब ने जो लिया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उनकी तकरीर सुनी, उन्होंने बड़ा खुल खुला के अपनी बातें की, अदलिया के ऊपर उन्होंने चार शीट दी, उसमें से एक फिक्रा मुझे बिल्कुल वो बार बार स्ट्राइक करता है। उन्होंने कहा कि 8 मिनट के अंदर 8 जमानतें, 8 मिनट के अंदर 8 जमानतें। इस वक्त आपकी तबाही और कोलैप्स को कोई रोक नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि आपकी अदलिया का स्टैंडर्ड दूसरे सियासतदानों, दूसरे पाकिस्तानियों के लिए और है, और अमीरुल मोमिनीन के लिए एक है। अब उसके बाद यहां तक स्पेकुलेशन आनी शुरू हो चुकी है कि जो मिस्टर चीफ जस्टिस हैं वो रिटायरमेंट के बाद कौन सा ओहदा लेने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कौन सी वो क्या लॉबी कर रहे हैं। मैं दुख के साथ कहूंगा पाकिस्तान की बदकिस्मती और पाकिस्तानियों की बदकिस्मती कि जब भी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का टाइम आता है वो सियासत में खुल खुला के लॉबी करता है कि मेरी एक्सटेंशन हो जाए। दूसरे दुख की बात है, जब भी मैंने देखा है, ये कोई पहले चीफ जस्टिस नहीं है, मैंने कई चीफ जस्टिस देखे, जब वो रिटायरमेंट के आसपास आते हैं तो मिनटों तरलों तक चले जाते हैं कि मुझे इसके बाद इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया जाए, मुझे इसके बाद नैब का चेयरमैन बनाया जाए। पता नहीं क्या बात है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ। लेकिन इसी तरह की खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं कि आर्मी चीफ इज अलाइनिंग फॉर हिज नेक्स्ट मूव एट द सेम टाइम। दूसरा, इस वक्त अमीरुल मोमिनीन जो है उनकी पूरी कोशिश है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन जो है वो सदर अलवी की के टाइम के दौरान और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में हो, ताकि उनकी मर्जी के रिजल्ट आ सके। तो पाकिस्तान की तबाही जो है मैं समझ रहा हूँ सियासी, मुआशी, इखलाकी, ये लिखी जा चुकी है। इसको अब बचाना मेरे ख्याल में वो अब किसी के बस की बात नहीं है। इस वक्त आर्मी चीफ साहब अपने दौरों पर हैं, वो पैसा लाते भी ला भी रहे हैं। जिस तरह अगले दिन हमारे चीफ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि दुबई और UAE से और सऊदी अरेबिया से जो पैसा मांगा है वो आर्मी चीफ साहब का है, आज भी वो चाइना में गए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पैसा भी ला रहे हैं तो फिर वो, मेरा मकसद है कि वो जाहिर है फिर पाकिस्तान तो वही चलाएंगे ना जो पैसा लेकर आता है, जिसके पास अख्तियार होता है। तो ये एक हाइबर सिस्टम है, इसको ये अदालतें, ये असम्बलियां, ये टूटी फूटी कौम का खून जो चूस रहे हैं खर्चे कर करके, मेरे ख्याल में इनको बंद कर देना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि इस वक्त कई सर्वे जो है वॉशिंगटन DC के अंदर, वो सर्वे एक बड़ी तादाद में ये कह रहे हैं लोग कि पाकिस्तान को सिर्फ अब मार्शल लॉ ही बचा सकता है। तो वो प्रैक्टिकली तो मार्शल लॉ 2018 नहीं, अगर देखा जाए, मैं सियासी तौर पर आपको ये मैं प्रूव करा सकता हूँ कि जब धरना दिया गया था, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने पहला धरना दिया था इस्लामाबाद में अंदर, उस वक्त उसके बाद उसको कहा जाता था वॉशिंगटन DC के अंदर सॉफ्ट कू कहा जाता था, क्योंकि उसके बाद शरायत जो है वो तय कर ली गई थी के कौन क्या करेगा। तो उसके बाद से एक कंप्लीट हाइब्रिड सिस्टम है। अब वो हाइब्रिड सिस्टम आपको कहाँ लेके जाता है, कहाँ क्या करता है, मैं हमेशा लोग मुझे तनकीद इसका निशाना बनाते हैं क्योंकि मैं एक ओपन बात करता हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे तालीम ना हो, जहां करप्शन आपके DNA का हिस्सा बन चुका हो, करप्शन आपके कल्चर का हिस्सा बन चुका हो, वहां पे मुल्क अगर आपके इन चीजों से निकालना हो या तरक्की की तरफ जाना हो, उसका सिर्फ वाहिद हल होता है सिंसियर डिक्टेटरशिप। अब पाकिस्तान के अंदर सिंसियर डिक्टेटरशिप कौन ला सकता है, जाहिर है अब एक ही पार्टी है जो ला सकती है, मैंने कई दफा पहले भी आपको कहा है, तो उसके अंदर वो पार्टी पहले भी इंचार्ज है, आपके जजों को भी मैनेज वही करते हैं, सियासतदान उनके बच्चे हैं, पाले हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े प्यार के साथ, दूध पिला पिला के इनको पाला है, इनकी नैपियां चेंज कर करके इनको पाला है। तो ये अब ये उन्हीं की गेम है इस वक्त, चाहे वो ISPR की वो सफाइयां दें करें, ये जी हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब ये चीज हो चुकी है, इन चीजों से बहुत आगे जा चुके हैं। सर कोई बिलीव तो नहीं कर रहा ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कहा गया, एक तरफ हम कहते हैं कि हम ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ इस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं इंडिया को कि हम घर तक जाके मारेंगे, कभी इस किस्म की बात। साथ साथ सर ये जो जैश वालों की न्यूज है, ये भी काफी लोगों से पूछा है और वो कह रहे हैं कि ये भी एकदम सही खबर है कि वो एक्टिव है, तो वो सिर्फ हिंदुस्तान को तो नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को भी होगा नुकसान, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, ये जो एजेंसीज है ये वहां क्यों नहीं देख रही बजाय इंडिया को धमकियां लगाने के। देखिये दो चीजें, एक तो बिलावल भुट्टो साहब ने जाने से पहले यहाँ पे स्टेटमेंट पाकिस्तान में बैठे दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर SEO कॉन्फ्रेंस, आई एम नॉट गोइंग देयर फॉर बायलैटरल टॉक्स, और इनकी पहले साइडलाइन पे थी, पहले को उसका प्रोग्राम था मौजूद, लेकिन वो सारा कुछ कैंसिल हो चुका है। मेरे ख्याल में इस वक्त जाना ना जाना बिलावल भुट्टो साहब का कोई मायने नहीं रखता,
उसकी वजह यह है कि एसईओ में आप क्या जाके दे सकते हैं उनको, कोई डू यू हैव एनीथिंग टू ऑफर टू एसईओ, आपके पास कोई है? आपके पास तो भारत के, भारत को भी देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जाके, अगर आप सोचते पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, हालात बेहतर करने के लिए तैयारी करके जाते, बल्कि इस हादसे को जाके क्लैरिफाई करते, लेकिन वो दैट इज नॉट योर चॉइस। मेरे ख्याल में इस वक्त आपका जाना ना जाना बिल्कुल कोई माने नहीं रखता, क्योंकि आपने पहले जाने से पहले ही बता दिया, और दूसरा कल ISPR की जो वो है, और तीसरा जो आप चाइना से जाके भी टैंकों के और हथियारों की बातें कर रहे हैं, अफसोस के यहां से कोई ट्रेड की बातें होती, यहां से कोई आप डिजिटल पाकिस्तान की बातें की जाती, उनसे बात की जाती कि रीजन में पीस किस तरह बनाना है, तो आपने उन चीजों को आप सोचते नहीं है, करते नहीं है। मेरे आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि 75-76 साल के बाद आज भी अगर आप वहीं खड़े हैं, अगर आपने मुल्क फिर भी कंट्री जो है आपने फिर भी दोबारा खैरात पे चलाना है, एड पे चलाना है, और वो एड जो है मैं आप बता रहा हूं कि जो 76 साल में जितना पैसा आप लेकर आए हैं उस पैसे में से हार्डली 20% भी पाकिस्तान में नहीं रहा, वो सारा 80% तो दुबई और लंदन पड़ा है, वो तो आपके करप्शन में पड़ा है। देखे ना, मैं छोटा सा एक मिसाल देता हूं, यहाँ पे इस वक्त आवाजें उठ रही हैं कि करोड़ करोड़ दो दो करोड़ रुपए के टिकट बिके हैं MPA के, बिल्कुल ऐसा है, जो 2 करोड़ का टिकट लेके 10 करोड़ इलेक्शन पे लगाएगा, आपका क्या हाल है? 25 करोड़ नहीं बनाएगा वो, जब पूरे का पूरा सिस्टम ही, जब देखा जाए तो पिछले दौर के अंदर आप हमारी ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट के लिए 2-2 करोड़ रुपया दिया जाता था, तो दुकान है भाई, ये दुकान है, तो ये दुकान जब आप चला रहे हैं तो इस दुकान के अंदर ये सिस्टम, ये जमहूरियत, ये अमल बिन मारूफ की स्टोरियां, रियासत मदीना, नाउज बिल्ला, आप इस तरह की बातें पता नहीं क्यों कर करके अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। दुकान है, टिकट बेचा करें, इलेक्शन बेचा करें, असेंबली बेचा करें, अपने फैसले बेचा करें। दुख के साथ मैं कहूंगा कि इस वक्त ये हालात हैं, लोग कहते हैं कि बेंच, जब बेंच तश्कील दिया जाता है, जब बेंच सामने आता है फैसले का पता चल जाता है हर बंदे को कि बेंच फैसला देगा। अगर ये आपकी अदालतों के हालात हैं, और दूसरा बाजवा साहब ने जो हवा निकाली है कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास डीजल ही नहीं है, तो ये क्या है आप? मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा कौन सा इंस्टीट्यूशन है आपके पास ऐसा जो, मेरा मकसद, आप जिसपे कोई रिलाय कर सकें, जिसपे ट्रस्ट कर सकें, जिसके बारे में ये कह सकें कि हाँ नहीं भाई ये हमारी प्रोजेक्ट है, इस पे वी आर प्राउड ऑफ इट, और ये हमें बचाएगा। दूसरा उसमें एक मैं बात ये कहना चाहूंगा, अफसोस के साथ आपका एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो जिसने पाकिस्तान को सही डायरेक्शन पे, अब मैं वो बात करना चाहता हूं जो आप बात कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी के, इस्लामाइजेशन के, और ये जो दूसरे एलिमेंट, इस वक्त ये आपको ये नहीं पता कि आपके अफगान भाई जो कि जिन्होंने टोटल जिहाद वहां रशिया के खिलाफ एक पूरा ड्रामा भी करके दिखाया, पैसा भी उन्होंने बहुत बनाया, वॉरलॉर्ड्स ने बहुत पैसा बनाया वहां, आपने भी खुल के पैसा बनाया उसमें, कोई शक नहीं, बल्कि आपने ज्यादा बनाया है, उनको तो थोड़ा सा दिया, आपने ज्यादा बनाया। मेरे भाई वो छोड़ चुके हैं अब वो जिहाद का सिलसिला, और आपकी ये दुकानदारी अब आगे नहीं चलेगी, दुनिया थक चुकी है, ये दुनिया अब थक चुकी है। आप अगर ये कहेंगे ना कि हम कश्मीर में ये करेंगे तो वो करेंगे, अगर एक तो थप्पड़ पड़ेंगे बड़े बुरे तरीके से वहां से आप छेड़ेंगे तो चीज, और दूसरा ये आपकी जो रहती सहती साख है वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए दो चीजें मैं ये कहता हूं, आपने कभी देखा है कि वेस्ट को कितना अरसा लगा है मजहब को हुकूमत से निकालने के लिए, चर्च को हुकूमत से निकालने के लिए, हालांकि ये भी जन्नत के टिकट बेचते रहे हैं। यहां भी जो है जो किंग होता था बरतानिया का, उसको ताबे होना पड़ता था चर्च के, लेकिन आप, वो मेरा मकसद है, मैं क्या आप कहूं कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट गया जो जिसने कहा जी मुझसे ज्यादा गोरों को नहीं जानता, मुझसे ज्यादा भारत को कोई नहीं जानता, और मुझसे ज्यादा फलाह को नहीं जानता, वो भी घुटनों के बल होके अमर बिल मारूफ, वो भी बस भी टच देता फिर रहा है। ये हालात है, तरक्की की तरफ आप जाने नहीं चाहते, आप सोचना भी नहीं चाहते तरक्की के बारे में, मेरे ख्याल में तो आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं। अगर ये हालात हैं आपके कि आप तरक्की को भी गैर इस्लामी